नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी सेकंड वीडियो लेके आए हैं अमित कॉमर्स पॉइंट की तरफ से, स्पेशल कैच बुक लेसन नंबर 10 टीएस गिरवाल बुक। और इसकी फर्स्ट जो लेसन है उसी की मैं वीडियो बैक टू बैक बना रहा हूं। अभी सब्सिडरी ग्रुप की हम लोग वीडियो बाद में बनाएंगे। आज हम लोग बहुत अच्छी बात करने वाले हैं इसमें कि टाइप्स ऑफ कैश बुक। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो बनाया था, बताया था आप लोगों को कि हमने कैश बुक का मीनिंग समझा था, आज हम टाइप्स ऑफ कैश बुक में समझेंगे कि कितने टाइप्स की हमारी बुक होती है। तो देखिए साफ दिख रहा है यहाँ पर कि चार टाइप की हमारी कैश बुक है। सिंपल कॉलम कैश बुक जो जनरल के बेस पे होगी, जहाँ पर सारे कैश के ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद टू कॉलम कैश बुक, बिजनेस थोड़ा और बड़ा होगा तो वहाँ पर टू कॉलम होगा, क्योंकि डिस्काउंट वहाँ पर आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, वो हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थ्री कॉलम कैश बुक में हम लोग बैंक के ट्रांजेक्शन करना सीखेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन अपनी सिक्योरिटी के लिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी करता है, बिल के द्वारा पेमेंट करता है, चेक के द्वारा ट्रांजेक्शन्स करता है, वो हम वहाँ सीखेंगे। और पेटी कैश बुक के अंदर हम डेली रूटीन के काम सीखेंगे कि डेली रूटीन में हम बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में होते हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल कॉलम कैश बुक, यानी कि इस वीडियो की बात मैं आज आपसे करूँगा। ये वीडियो मेरी वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5 में आपको मिल जाएंगी। अभी वीडियो नंबर 2 है तो इसी की बात करेंगे। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट द सिंपल कॉलम कैश बुक। व्हाट डू यू मीन बाय द कैश बुक? ए कैश बुक विच कंटेन ओनली वन कॉलम, यानी कि सिंगल कॉलम या सिंपल कॉलम या ऑर्डिनरी बुक या जनरल बुक, इसके कई नाम ले सकते हैं आप लोग। इट इज अ लाइक और ऑर्डिनरी बुक, मैंने बता दिया। दिस बुक इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट मीन्स जो ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, इसको स्टूडेंट लेफ्ट और राइट के नाम से भी आप समझ सकते हैं। डेबिट मींस लेफ्ट और क्रेडिट मींस राइट, ये भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इस बुक के अंदर आप लोग समझेंगे कि कैश पेमेंट और कैश रिसीव्ट्स का क्या रिलेशन होता है। इसके डेफिनेशन के बाद इसके फॉर्मेट पे आप जाके देखें, उससे पहले थोड़ा सा इसका रूल समझते हैं कि डेबिट मींस लेफ्ट और क्रेडिट मींस राइट। व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, ये हमने रूल्स डेबिट और क्रेडिट में आपको सिखाया है। मेरी पहले की वीडियो में आप देख लेना, बहुत क्लियर तरीके से मैंने बताया है। लेकिन आज हम इस रीजन को समझेंगे कि कैश बुक में कोई भी अगर एंट्री होती है तो उसका रीजन क्या इफेक्ट करेगा। तो रीजन है इंक्रीज और डिक्रीज, इन दोनों को देखना गौर से। अगर एसेट्स बढ़ रही हैं, गुड्स बढ़ रहा है और इनकम अगर मेरे पास आ रही है तो मेरा कैश बढ़ रहा है तो इंक्रीज, इंक्रीज मतलब डेबिट कर दो। और यदि मेरी एसेट्स, मैं मान लीजिए परचेस कर रहा हूँ, मान लीजिए गुड्स मैं परचेस कर रहा हूँ, एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो मेरा कैश जा रहा है। यहाँ पर रीजन कैश है बेटा, कैश का आना रीजन, कैश का जाना रीजन। आपको ही नहीं देख रहा कि एसेट्स आ रही है सर डेबिट होगी, नहीं, रीजन पकड़ो। रीजन क्या है? कैश का आना आएगा कैसे? जब एसेट्स बेचोगे, जब एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो कैश आएगा, और इनकम जब हम रिसीव करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा। और यही अगर मैं चेंज कर दूं, एसेट्स हम अब सोल्ड की जगह परचेस करेंगे तो कैश बेटा जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आप गुड्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं आप, या पेड कर रहे हैं एक्सपेंसेस। देखो पेमेंट यूज होगा गुड्स के लिए और पेड यूज होगा एक्सपेंस के लिए, ये भी आप समझें। और अकाउंटिंग में अकाउंट को 3 तरीके से डिवाइड करके उसको आराम से समझ लीजिए। अकाउंट को पर्सनल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर 2 चीज होंगी, या तो पर्सन का नाम आएगा या पर्सन का नाम नहीं आएगा। अगर आता है तो भी 2 चीज होंगी, या तो रिसिप्ट में आएगा, पेमेंट में आएगा। बेटा रिसिप्ट में तब आएगा जब वो कोई चीज बेचेगा, और पेमेंट में तब आएगा जब वो कोई चीज खरीदेगा। तो उसमें रिसिप्ट शब्द आएगा तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर पेड टू बाय किया तो आएगा, रिसिप्ट टू बाय किया तो आएगा, ठीक है। रियल और एसेट्स, रियल में भी आप सुनने एसेट्स लगाई है मैंने, और रियल के अंदर हम लोग एसेट्स में करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स सारी ले लेंगे। नॉमिनल में एक्सपेंस और लॉस, इनकम और गेन ले लेंगे, यही रूल वहां चल रहा है। अब देखिए कैश अकाउंट को कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया है छोटा सा, ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन द क्वेश्चन टू बैलेंस बीडी से उसको रेफर करना होगा। ये ओपनिंग कैश बैलेंस हमें गिवन होगा लास्ट ईयर का ट्रांसफर होकर के, लास्ट ईयर में जो बैलेंस बचा होगा वो इस साल हमारा ओपनिंग बैलेंस कैश कराएगा। तो ये सबसे पहले एंट्री यहाँ पर कैश बुक की हो जाएगी, टू बैलेंस बीडी। अब इसके बाद जब भी आपने सेल के लिए कोई चीज बेचा है तो आप डेबिट में लिख दें, आपने कोई एसेट्स बेची है पैसा आ रहा है डेबिट में लिख दें, कोई इनकम रिसीव करी है पैसा आ रहा है डेबिट में लिख दें,
कोई पर्सन से आपको रिसीव्ड हुआ है तो आप डेबिट में लिख दीजिए। अब जो चीज आ रही है, मैंने बताया था जब कोई चीज आएगी तो रीजन बनेगा इंक्रीज होने का, कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। अब जाने के रीजन देखिए, सेल मतलब आना, तो परचेज मतलब जाना, ये बात रखना। एसेट्स को बेचा है तो डेबिट, लेकिन एसेट्स को खरीदा तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट। अगर आपने इनकम करी है तो वो डेबिट हो जाएगी रिसीप्ट, और पेमेंट किए हैं एक्सपेंसेस में तो क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बैंक के द्वारा कोई पेमेंट हुआ है तो वो क्रेडिट होगा, कोई पर्सन के द्वारा पेमेंट किया गया है तो क्रेडिट होगा। इन सबको जोड़ दीजिए और इसमें से क्रेडिट को आप देखिए, सबसे पहले आप डेबिट का टोटल करें। मान लीजिए मैं ऐसे ही काल्पनिक तौर पर 10,000 रुपये लिख देता हूँ, और यहाँ पर जब मैंने पेमेंट किया तो मेरे यहाँ पर सब टोटल जो आ रहा है, मेरा यहाँ पर सब टोटल आया मेरे बच्चों 9,000 रुपये। यहाँ पर अगर मैं सब टोटल करता हूँ तो मेरा आ रहा है 9,000 फीस। तो हमेशा ध्यान रखना कि डेबिट साइड मोर देन ऑलवेज इन क्रेडिट साइड, ये आप ध्यान रखना कि डेबिट साइड का बैलेंस हमेशा क्रेडिट से ज्यादा होगा, तभी आपका आंसर आएगा। मतलब रिसीव्स ऑलवेज मोर देन इज पेमेंट साइड। तो ये साइड किसकी है मेरी, ये साइड है मेरी रिसीव्स की। रिसीव्स हमेशा किससे ज्यादा होंगी, पेमेंट से ज्यादा होंगी, तभी सस्ता के पास कैश बचेगा। तो 10,000 रुपए में से 9,000 रुपए गए तो मेरा बैलेंस कितना बचा, 1,000 रुपए। यानी कि ये सस्ता ज्यादा दूर तक काम करेगी, ये सस्ता फायदे में चल रही है, इस सस्ता के पास इसके पेमेंट कम हो रहे हैं, इसके पास रिसिप्ट ज्यादा आ रही है। मान लीजिए मिस्टर गुप्ता जी बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर यही चीज उनके साथ हो रही है। तो आप प्रैक्टिकली सोचिए, यदि आपके घर में आपके डैडी बिजनेस कर रहे हैं और पापा को ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना जा रहा है, तो तभी तो आपका घर अच्छा चलेगा। अगर आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा, घर भी अच्छा चलेगा। तो उस बिजनेस में मान लीजिए 10,000 रुपए के अगर मान लीजिए रिसिप्ट हो रही है, पेमेंट 9,000 रुपए के हो रहे हैं, तो बताइए बच्चों डेली के कितने बचा रहे हैं आप, 1,000 रुपए, या मंथली कितने बचा रहे हैं, मान लीजिए 1,000 रुपए, तो आपकी फर्म चलने की ज्यादा चांस है। अब अगर इसका उल्टा कर दें तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वहां पर कैश बुक में कुछ ना कुछ एरर चल रही है, उस एरर को रेक्टिफाइड करने के लिए हम लोग आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या रीजन हुए, बहुत बड़ी बात है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ कैश बुक की, सिंपल कॉलम कैश बुक के क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। बहुत जल्दी मैं इसकी जो थर्ड वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका एक सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं आपको, जिससे आपको बहुत इजीली तरीके से इस कैश बुक को समझा दूं। और मेरी उसी वीडियो के अंदर थर्ड वीडियो में टू कॉलम का फॉर्मेट, टू कॉलम के आप रीजंस जानेंगे। वीडियो को बराबर देखते रहें, एंड तक देखते रहें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।